एच सी एल सी ए सी एल टू प्लस एच टू ओ देखिए हमारे पास क्या है सी ए ओ एच टू है एक्वस और एच टू एस ओ फोर हमारे पास क्या है सल्फ्यूरिक एसिड और सी ए एस ओ फोर एक्वस है और टू एच टू ये ये चाहिए हमको ठीक है तो यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया बैल इनको बैलेंस कर दिया ओके वट डज ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट एक केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है वो बताइए ये केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को ये केमिकल इक्वेशन शो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल्सो केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है और ये साथ ही साथ फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट की जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट देते हैं उनको प्रोडक्ट की भी उनकी फिजिकल स्टेट बताती है दोनों की रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी वट आर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल इक्वेशन एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर रिएक्टेंट वो क्या होते हैं रिएक्टेंट होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं मतलब तो वो रिएक्ट करते हैं वाइल्ड यानी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर प्रोडक्ट यानी कि जो मिलते हैं हमें प्राप्त होते हैं न्यू सब्स्टांस वो क्या है राइट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं जैसे इसके क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं ये रिएक्टेंट हैं और राइट हैंड साइड जो लिखा है वो प्रोडक्ट है ओके नेक्स्ट वी हैव गिव वन एग्जांपल ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन जैसे टू एच टू गै को टू एच टू गैस ली प्लस ओ टू लिया तो हमारे पास क्या बना टू एच टू ओ लिक्विड यानी कि इनका कम्बिनेशन हुआ टू एच टू का और ओ टू का और वाटर प्राप्त हो गया वो मिला हमको इसे कंबिनेशन रिएक्शन कहेंगे नेक्स्ट राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कैल्शियम फोस्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखने के स्टेप बताइए सी ए टू प्लस आयन है और पी ओ फोर माइनस थ्री आयन है तो टोटल होगा हमारा सी ए थ्री एंड पी ओ फोर इसको क्रिश क्रॉस कर दिया इसके आयन यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइड चले गए पी ओ फोर टू ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला प्राप्त हुआ हाउ इज़ द केमिकल चेंज डिफरेंट फ्रॉम ए फिजिकल चेंज केमिकल चेंज अलग है फिजिकल चेंज की बजाय क्यों ए न्यू सब्स्टांस इज फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज केमिकल चेंज में एक नया सब्स्टांस मिलता है वाइल नो न्यू सब्स्टांस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज जबकि फिजिकल चेंज में नया सब्सटांस नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर ज़्यादातर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंज कैन नॉट बी बाय सिंपल फिजिकल जबकि केमिकल चेंज जो है रिवर्स नहीं होते ज़्यादातर सिंपल फिजिकल मीन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है केमिकल चेंज है जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एग्जाम्पल की हेल्प से इसको जस्टिफाई कीजिए

वेन सबस्टांस गिव टू और मोर सब्सटांसिस जब एक सब्सटांस से दो या दो से ज़्यादा सब्सटांस हमें प्राप्त हों रिएक्शन इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिएक्शन क्या कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है एग्जाम्पल है इसका वोटर मोलिक्यूल गेट्स ब्रोकन इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वैन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रोइट जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वोटर मोलिक्यूल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाते हैं दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंगशन टू एच टू लिक्विड यानी वाटर है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं हम यहाँ तो इसमें से हमें टू एच टू गैस और ओ टू गैस दोनों अलग अलग प्राप्त हुई और तो ये हमारी क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वॉटर डीकम्पोजो के दो अलग अलग गैसेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन टू डिफरेंट टाइप्स गिव रीजन सी एस आई ओ टू सॉलिड सी आई ओ थ्री एस आई ओ थ्री ये क्या है हमारी कंबिनेशन रिएक्शन है इनको कम्बाइन कंबाइन हो, हो गई है नेक्स्ट बी के ओ एच एक्वस एच सी एल एक्स एक्वस के सी एल एंड एच टू ओ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट वन सी ओ एस मीन सॉलिड टू ए जी एन ओ थ्री एक्वस जो रिएक्ट प्राप्त हुआ हमें सी एन ओ थ्री टू और टू ए जी सॉलिड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी ए सी ओ थ्री सोलिड हीट किया तो बी ए सॉलिड और सी ओ टू गैस ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये डिकम्पोज हो गया दो अलग अलग सब में ओके okay. आज का हमारा चैप्टर जो है ये ओवर हो गया है यहीं तक हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे हमने सारे कर लिए हैं नो ओवर चैप्टर इज ओवर इनको अच्छे से राइट करें और लर्न करें ओके थैंक यू सो मच